जनपद अमरोहा यूपी के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव सिरसा जट में बेवा भाभी को निकाह का झांसा देकर देवर ने बनाए अवैध संबंध। अब निकाह से मुकरा पीड़िता ने दी थाने में तहरीर। पुलिस जांच में जुटी मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव सिरसा जट में रेशमा के पति यूनुस का बिजली का तार टूटने से मौत हो गई थी। तभी से उसका देवर निशुक रेशमा को शादी का झांसा देकर उससे अवैध संबंध बनाता रहा। रेशमा के बार बार कहने के बावजूद टालमटोल करता रहा। तंग आकर आज विवाहिता ने थाने में आकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस जांच में जुटी है। नौगावा से अकबर सैफी की रिपोर्ट। घर को ना कि जी मेरा देवर है कि इसके साथ हम तेरा निकाह करेंगे और उसके बाद वो लड़का मेरे द्वारा इन्होंने छोड़ दिया। क्या नाम है देवर का? वो निशुक। निशुक, निशुक। अब्बा का नाम क्या है? निशुक अकबर। अच्छा, फिर तो वो रहते रहे। मैं भी ये सोच रही मेरे बच्चे इसके सहारे से पल जाए, मैं भी रहती रही, वो भी रहते। मैंने कहा निकाह कर लूँ, क्या नहीं निकाह भी नहीं करने के कोई नुकाय देगा कि इतनी जल्दी निकाह कर रहा है। उसके बाद उन्होंने जो था रहते सहते रहे इनके, फिर दहेज के उसमें आकर इन्होंने उस लड़के को बाहर भेज दिया 6 महीने मेरे पास रहने के बाद। तो जी वो मैंने कहा वो लड़का कहाँ गए, कहाँ गए वो, आने तू क्या लिया उससे, तुरंत तो उसकी शादी करेंगे। अब वो बुलाते नहीं उसे घर को। अब कितने दिन से गायब है लड़का? 3 महीने हो गए देवर तुम्हारा जी। तो आप जब उनके साथ रह रहे तो आपने निकाह किया था? नहीं जी, नहीं किया था। मैंने कहा इस बात को। अच्छा, तो इन्होंने कह दिया कि कोई नु कह देगा कि इतनी जल्दी निकाह कर रही है, तो इसलिए अपने बच्चे ऐसी पालती है, ऐसी रह इसके साथ। अच्छा, आपने जो पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है उसमें आपने देवर को बताया है कि देवर ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्या उसने जबरन बनाए थे? नहीं, जबरन ही नहीं बनाए थे, मेरी भी मर्जी थी और उनकी भी मर्जी थी, शादी का झांसा देकर बनाए थे। हाँ। अच्छा, अब फिर? अब वो मना कर रहे। तो आपने पुलिस को कब शिकायत करी है? पुलिस को तो पहले तो घर में ही करते रहे, पंचायतेबाजी करते रहे, वैसे ही मान जा घर की बातों से मान जा। मैं ये 5 पंचायतें हो गई, इन्होंने कुछ नहीं माना, तो इसलिए हमें पुलिस में जाना पड़ा। अच्छा, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस आई, वो लेकर नहीं गई, उन्होंने कह दिया हमारा फैसला हो गया, वो बोले फैसला दिखाओ। तो अब ये कल गए, पता नहीं क्या करा इन्होंने, पैसे भरे या क्या करा, कल से पुलिस इधर नहीं आई। अभी आप क्या चाहती है? जी मैं तो ये चाहती कि मेरे बच्चे जब उनने मेरे साथ इतने अच्छे बुरे काम करे तो वो ही पाले, उसी से आपकी शादी होनी निकाह होना चाहिए। जब उसने मुझे धोखा दिया तो बीच में, या तो वो मुझसे मना करते करते नहीं बात। पहले पति से आपके क्या बच्चे हैं? 2। उसके बाद कोई हवल वगैरह तो नहीं हुआ आपको? नहीं।